भुवनेश्वर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप अनुष्ठित हो जाएगी। एथिरे 20टी स्टेट रो स्टूडेंट माने भारत रो एकता उद्देश्य रे 7 दिन धरी निजर पारंपरिक खाद्य वस्त्र और नृत्य परिवेशन करथले। एगु मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स नेशनल डायरेक्टर ऑफ एनएस तरफ रो आयोजित होइतला। या भुवनेश्वर प्रदर्शनी पडारे अनुष्ठित होइतवा बेले कार्यक्रम को सुर राउतराय प्रशंसा करथले। रीता पटेल रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सर्विस स्कीम आमर यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप सात दिन चली सोआ यूनिवर्सिटी अंडर रे आईटीआर कैंपस रे यार मूल लक्ष्य है विविधता मध्यरे एकता आम 20टा राज्य रु पिला डाकिछु एवं बहुत एंजॉय करुछंदी। आज आम रैली प्रोग्राम थिला 20 स्टेट रो निजर निजर कल्चर रे कॉस्ट्यूम रे से माने आसी निजर राज्यर किसी देखते ये है मूल उद्देश्य। एनएसएस तरफ एमने सब कॉलेज स्टूडेंट विभिन्न कॉलेज रु इंजीनियरिंग कॉलेज रो पिला अच्छा मेडिकल अच्छा मैनेजमेंट रही अन्य कॉलेज रो सब पिला अच्छा ग्रेजुएट अंडर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रो पिला आनंद है। हम आसाम से आए हैं और यहाँ सोआ में हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के लिए आए हैं। ये जो प्रोग्राम का मोटो है इसका मोटो ये है कि मतलब ऑल इंडिया को एक छत के अंडर लाना और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इंडिया क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है ना तो हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है तो हम सीखें कुछ जाने और इंडिया को इंटीग्रेट करें। गुजरात नी गोरी गुजरात नी छोरी और हम लोग यहाँ से गुजरात पे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पर आए हैं और हमारा एनएसएस का मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना इसका एक ही मोटो है कि नॉट मी बट यू। हमारा एक मोटो है कि सेवा भावना हमें करनी है सब लोगों के साथ हमें मिलजुल कर रहना है। भारत का एक ही मतलब है हमारे गुजरात में कहता है कि विविधता में एकता के जितने भी विविध अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे जो लोग पूरे इंडिया से आए हुए हैं वो सब अभी इतना